गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास थर्ड सोशल स्टडीज बुक ग्लोब ट्रॉटर्स। सो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जाने थे। क्या क्या थे वो अर्थ के बारे में फैक्ट थे कि पहली बात तो इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा कि अर्थ कैसी है, राउंड है। उसके बाद हमने इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये जाना कि अर्थ के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, अब इसके लिए हम एक बोल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इसका ये जो पॉइंट है ये इसके बिल्कुल टॉप में है ना, तो ये इसको हमने मान लिया नॉर्थ पोल। ठीक है, ऊपर की साइड है इसलिए हो गया नॉर्थ पोल। इसके ठीक अपोजिट में ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने क्या मान लिया, ये हो गया अपने आप ही ये साउथ पोल हो गया, है ना। क्योंकि जब ये पोल हमने ऐसे पकड़ी तो ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया नॉर्थ पोल और जो नीचे वाला पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, साउथ पोल, है ना। और जहां पे ये नॉर्थ पोल ये वाला पॉइंट और साउथ पोल यानी कि ये वाला पॉइंट, ये एक इमेजिनरी लाइन से मिल रही है आपस में, है ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइन हो गई इसको हमने क्या कह दिया, एक्सिस कह दिया। क्या बोला हमने इसको, एक्सिस का नाम दे दिया। ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ हमने अपने सहूलियत के लिए इसको बना लिया है, एक लाइन इमेजिन कर लिया, ठीक है ना, इसकी हमने कल्पना कर लिया है। तो ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल, ये फ्लैट होती है अर्थ ऊपर से भी और नीचे से भी, और बीच में कैसी होती है, बल्ज्ड। बल्ज्ड का मतलब उभरी हुई यानी कि बाहर की साइड निकली हुई, ठीक है ना। तो ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुई इमेजिनरी लाइन जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, और ये हो गया साउथ पोल। इसके बाद हमने क्या सीखा कि अर्थ की मूवमेंट कैसे होती है। हमने ये जाना था कि अर्थ दो तरीके से मूव करती है, एक तो रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन, बट हमने सिर्फ रोटेशन को ही डिस्कस किया था। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, ये इस तरीके से घूम रही है ना। तो जब ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है तो ये क्या हो गया, रोटेशन। इसको हमने क्या बोला, रोटेशन। जब ये अपने एक्सिस पे घूम रही है तो इसको हमने कह दिया रोटेशन। अब जब ये इधर से उधर, सन हमने यहाँ पे, ये देखो ये सन है और ये इसके चारों तरफ घूम रही है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो हो जाएगा रिवॉल्यूशन, और अपने ही एक्सिस पे घूमेगी तो हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। जब ये अपने ही एक्सिस पे घूमेगी तो ये क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं रोटेशन में हमने और क्या क्या पढ़ा था कि रोटेशन क्या है, अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप, एक लट्टू की तरह अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रोटेशन। और ये जो रोटेशन होती है ये कौन सी डायरेक्शन में होती है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन होती है हमारी इधर, वेस्ट हमारी होती है इधर, नॉर्थ होती है ऊपर और साउथ होती है नीचे। क्योंकि हमने इस बॉल के अंदर देखा भी कि जो ये ऊपर वाला पॉइंट है हमने इसको नॉर्थ कह दिया और जो नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा वो हो गया साउथ। अब ये ईस्ट और ये वाली डायरेक्शन हो गई वेस्ट। तो हमारी अर्थ कैसे घूम रही है, जैसे वेस्ट डायरेक्शन हो गई इधर और ईस्ट डायरेक्शन हो गई इधर, तो अर्थ घूम रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे कुछ इस तरीके से अर्थ घूम रही है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो घूम रही है, देखो यहां पे मान लो सन है, सन के सामने ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ के इस डायरेक्शन में, इस एरिया में जो अर्थ के सन के सामने वाला एरिया है इसमें सनरेज जाएंगी, और सनरेज जाएंगी तो यहां पे क्या होगा, लाइट होगी, यानी कि यहां पे क्या होगा, डे होगा। देखिए ये फोन की टॉर्च है, इसको हमने मान लिया सन, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सन है, सन के सामने क्या है,
अर्थ, तो अर्थ के जिस साइड में लाइट पड़ रही है यानी कि सनरेज जिस साइड में आ रही है वहां क्या हो जाएगा डे, और इसके बैक साइड में आप देखेंगे अंधेरा दिखाई दे रहा है ना, तो इस वाली साइड में क्या हो जाएगी नाइट हो जाएगी। जो फ्रंट साइड होगा सन के वहां पे क्या होगा डे रहेगा, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, सन को एक राउंड कंप्लीट कर सॉरी अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे, एक दिन लगता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन को। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा सन, इसको हमने सन मान लिया, और इसके साइड में क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको अर्थ मान लिया। अब अर्थ क्या है, इस तरीके से घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, और साथ साथ इधर आ देखो ये ऐसे भी मूव कर रही है, यानी कि ये अपने एक्सिस पे तो घूम रही है, साथ साथ ये इस तरीके से सन के चारों तरफ भी घूम रही है, ठीक है ना। तो जब ये सन के चारों तरफ ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये क्या हो जाएगी रिवॉल्यूशन, ठीक है। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, यानी कि अर्थ सन के भी चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे तो घूमती है, ये बात तो हमने पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अर्थ ऑल्सो यानी कि अर्थ साथ साथ सन के चारों तरफ भी चक्कर काटती है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है वो बात ठीक है, पर उसके साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूमती है, मूव्स अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, यानी कि जब अर्थ अपने एक्सिस के साथ साथ अपने ऑर्बिट पे घूमता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 + 1/4 days टू कंप्लीट 1 revolution। तो 365 1/4 का क्या मतलब है कि 365 तो कंप्लीट, और एक दिन 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं ना लीप ईयर, यानी कि 29 डेज हो गए फरवरी में, तो वो एक दिन ऐसा होता है जो 4 साल में किसी भी साल आ जाता है, ठीक है ना, एक बार आता है 4 साल में। तो अर्थ टेक्स 365 + 1/4 days टू कंप्लीट 1 revolution। अर्थ को सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने में कितने डेज लगते हैं, 365 1/4 days लगते हैं कंप्लीट करने में 1 revolution, यानी कि एक चक्कर सन के चारों तरफ एक चक्कर काटने के लिए अर्थ कितना टाइम लेता है, 365 + 1/4 day, क्लियर है। इट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। इट मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक ही रास्ते से गुजरती है, जैसे कि स्कूल से घर जाने का मेन तो एक ही रास्ता है ना, बाय चांस वो रास्ता खराब है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम शायद कहीं और से चले जाएं, पर अर्थ का सिर्फ एक ही रास्ता है मूव करने का सन के चारों तरफ, ठीक है। तो वो जो रास्ता है ये येल्लो कलर का हमें दिखाई दे रहा है फिगर में, ये जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट, क्या बोलते हैं ऑर्बिट। देखो जो ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया, अर्थ अपने ही चक्कर काट रही है, तो इसको हमने बोला रोटेशन, यानी कि वो घूम रही है, ठीक है। जैसे आप खड़े होके और घूमना स्टार्ट कर दो तो वो क्या होगा रोटेशन, आराम आराम से घूम के देखना, आप एक ही पॉइंट पे हैं, मान लो आपने यहां से घूमना स्टार्ट करा, ये इस तरीके से आप घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये हो गई रोटेशन।
जब मान लो आप घूमते घूमते ऐसे चारों तरफ घूमने लग गए, ऐसे भी गोल गोल तो आप घूम ही रहे हैं पर आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोटेशन, ठीक है ना। तो जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ यानी कि एक ही रास्ते में ट्रेवल करती है, और उस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेज द डिफरेंट सीजन। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का रिवोल्यूशन यानी कि अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर काटना और उसके झुका होना, टिल्ट का मतलब होता है झुकना, तो टिल्ट का मतलब होता है झुकना। टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेज द डिफरेंट सीजन, तो जो अर्थ क्या है अपने ही एक्सिस पे झुकी हुई है, 23.5 degree अर्थ अपने ही एक्सिस पे झुकी हुई है, इसके कारण क्या होते हैं, अलग अलग सीजन बनते हैं। जैसे कि जब यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे सनरेज ये वाला एरिया होगा ना, यहाँ पे सनरेज सबसे ज्यादा होंगी, तो इस वाले एरिया में तो ठंडी का एरिया होता है और यहाँ पे डिस्टेंस कम होता है सन का अर्थ के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है गर्मी वाला टाइम होता है कि गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है इस टाइम में, ठीक है। तो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ की सन के जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ क्या है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, इन्हीं कारणों की वजह से डिफरेंट सीजन बनते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। व्हाट इज द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, अर्थ का जो फ्लैट टॉप पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे उसे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड, अपने एक्सिस पे जब अर्थ मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बताओ, अभी अभी सीखा है हमने, कल भी सीखा था, उसको हम बोलते हैं रोटेशन, वेरी गुड। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, डे और नाइट कैसे बनते हैं, अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल लास्ट लाइन हमने यही पढ़ी है, डे और सॉरी लास्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, क्या टॉपिक था, रोटेशन, जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात बनते हैं, क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। अर्थ जैसे जैसे अर्थ का सन के साइड जोन सा फेस होगा उस साइड क्या होगा डे और अपोजिट साइड क्या हो जाएगा नाइट, तो सन की जो अर्थ की जो रोटेशन होती है उसके कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक फॉर वन रेवोल्यूशन, अर्थ को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, बताओ, अभी अभी पढ़ा है हमने, अर्थ को लगता है 365 एंड 1/4 days, कितने डेज लगते हैं, 365 प्लस 1/4 days, तो ये हुआ हमारा क्विक रिविजन वन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोब एंड मैप, ठीक है, तो ग्लोब एंड मैप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे पहले हम इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, क्विक रिवीजन वन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर में जितनी भी लाइन मार्क करी है मैंने, देखो ये जहाँ जहाँ मार्क किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और लाइन्स हैं, इनको हम बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे, बार बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन के अभी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं वो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक लर्न करने के बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, अर्थ का जो फ्लैट टॉप पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसे एटलीस्ट हम 2 times पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, पर चाहे आपको समझ में आए या ना आए हम कितनी बार पढ़ेंगे, मिनिमम 2 times। व्हाट इज द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, अर्थ का जो फ्लैट टॉप पार्ट है, हमने कितने पार्ट पढ़े हैं, अर्थ के 2 flat parts होते हैं, एक होता है टॉप पे एक होता है बॉटम पे, तो क्वेश्चन में पूछा है जो टॉप पे पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो बॉटम में होता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो फ्लैट टॉप पार्ट है ऑफ द अर्थ, अर्थ का इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। द फ्लैट टॉप पार्ट, द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट्स में हम जब आंसर्स को लर्न करते हैं तो हमेशा कैसे करना चाहिए, पार्ट्स में, ताकि वो हमें लंबे टाइम तक याद रहे। अब देखो साथ साथ हिंदी बनाते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे। फ्लैट टॉप पार्ट यानी कि जो सीधा पार्ट है, ऊपर वाला, टॉप पे, जो सबसे ऊपर हो, ठीक है, किसका, ऑफ द अर्थ, अर्थ का, इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल, क्या बोलेंगे उसे, नॉर्थ पोल। द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, क्लियर है, द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, बिना देखे बोलेंगे द फ्लैट टॉप पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड, व्हाट इज द मूवमेंट, क्या कहलाती है वो मूवमेंट, किसकी, अर्थ की, जो अपने एक्सिस पे हो, ठीक है, तो वो मूवमेंट जो अर्थ अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता है उसको क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, क्या कहते हैं उसे, रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ की वो मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस, जो उसके एक्सिस पे हो, अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट होती है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, क्या कहेंगे, रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे बनते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट्स, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन, दिन और रात कैसे बनते हैं, तो रोटेशन के कारण बनते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ, किसकी रोटेशन, किसकी रोटेशन, अर्थ की, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस पे जो रोटेशन होती है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट्स, तो वो रोटेशन अर्थ की जो अपने एक्सिस पे होती है उसे क्या कहते हैं, दिन और रात कहते हैं, मतलब उससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट, जब आपकी टीचर आपको क्वेश्चन आंसर करवाती है तो आपको उसके साथ रिपीट करना होता है, ठीक है ना, हमेशा जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जब मैं इसे दोबारा बोल रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ बोलें, ताकि आपको वो बिना लर्न करने के लर्न हो जाए। कैसे, आपको स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ेगा ऐसे लर्न करने में, आप जैसे जैसे मेरे साथ साथ बोलेंगे आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि दिन और रात कैसे बनते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन के कारण, ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करता है, कॉजेज डेज एंड नाइट, तो उससे क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, द साइड ऑफ द अर्थ, अर्थ की वो साइड विच फेसेस द सन, जिसका फेस किस साइड हो, सन की साइड हो, हैज डे, वो कौन, क्या होगा, वहां पे दिन होगा, ठीक है ना, वाइल, जबकि, द अदर साइड हैज नाइट, जबकि जो दूसरी साइड होगी वहां क्या होगी, रात होगी, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डेज एंड नाइट, अर्थ का अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना,
क्या क्या बनता है उससे, दिन और रात बनते हैं, ठीक है ना। द साइड ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, वो साइड अर्थ की जो कि सूरज के सामने हो, वहाँ क्या होता है, दिन, हैज डे, दिन होता है। जबकि वाइल द अदर साइड हैज नाइट, जबकि जो दूसरी साइड यानी कि जो अपोजिट साइड है वहाँ क्या होगा, रात होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक फॉर वन रिवोल्यूशन, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक फॉर वन रिवोल्यूशन, कितना टाइम लेता है अर्थ वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, किसमें, वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या पढ़ा था हमने, जब अर्थ अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम, कितना समय लगाता है अर्थ टेक फॉर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है। सॉरी तो हमने क्या सीखा, जब अर्थ एक जगह से सन एक फिक्स्ड ऑर्बिट के ऊपर सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगाता है, 365.5 days, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द अर्थ टेक्स 365.1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। अर्थ टेक्स कितने टाइम लगाता है, 365.1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 1/4 days लगाता है। द अर्थ टेक्स 365.1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सो इसी के साथ हमने जो टॉपिक था मूवमेंट ऑफ द अर्थ ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा है। इसके अंदर हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एक तो रोटेशन और दूसरी रिवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम ग्लोब और मैप्स के बारे में सीखेंगे कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं और हमारे लिए वो क्यों और कैसे यूजफुल हैं, ठीक है। उससे पहले आप जल्दी से इस चैप्टर को दोबारा से रीडिंग करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्विक रिविजन्स को सुंदर हैंडराइटिंग में डेट और टाइम के साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो भी आप लिखेंगे वो बोल बोल कर लिखेंगे, बोलने से हमारा ध्यान नहीं भटकता और साथ में क्या होता है, हमें लंबे समय तक चीज़ याद रहती है, बातें याद रहती हैं, हम उन्हें भूलते नहीं और हम अच्छी पोजीशन लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेंगे, क्योंकि अब हमें स्कूल तो जाना नहीं होता, घर पे ही बैठ के पढ़ना है तो ड्रेस चेंज करने का भी कोई झंझट नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम पढ़ेंगे और अपनी मेमोरी को शार्प करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे बच्चों की तरह सुंदर हैंडराइटिंग में राइट डाउन करेंगे इनको, क्विक रिविजन्स को, और साथ में लर्न भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।